अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लौकी का हलवा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और उसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सादिया कुकिंग कॉर्नर को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑप्शन ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमें लौकी ले लेना है और यहाँ पर मैंने 2 किलो लौकी का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर मैंने बाद में भी 1 लौकी लिया है और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से छील लेना है, और आप चाहें तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छीलने के बाद हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे और हमें इस तरीके से कट करके ग्रेट करना है। बड़े बड़े पीसेस को ग्रेट ना करिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हाथ भी ज़्यादा पेन होने लगता है। और हमें बीच से भी काट करके नहीं ग्रेट करना है, उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है और अच्छे से ग्रेट भी नहीं होता है। तो आप लोग जिस तरीके से मैंने किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग को भी करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बीज दिखने लगी है, थोड़ी सी विजिबल हो जाए उसके बाद हम उसे दूसरी साइड से भी ग्रेट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर सारे ही इसी तरीके से टर्न करते करते इसे ग्रेट कर लिया है, और बीच में बीज ही आप देख सकते हो, ये पोर्शन को हमें निकाल देना है। यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस फॉलो करके सारे को ही अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है इसमें, तो हमें उसे स्क्वीज़ कर लेना है पहले और फिर हम इसे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो स्क्वीज़ करने के लिए आपको एक बाउल में बहुत ही अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है और एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे को ही स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे को ही बहुत ही अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर ली हूँ। आप लोग को भी ये स्टेप करना ज़रूर, क्योंकि इसमें जब ज़्यादा पानी रहेगा तो हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, तो ये स्टेप ज़रूर करिए। और उसके बाद अब हम इसे पकाएंगे, तो यहाँ पर आप कढ़ाई या पैन गरम कर लें और उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है डालडा या घी। जब वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे छोटी। यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है, और इसे थोड़ा क्रैकल होने दे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन टर्न होने दे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी जो हमने ग्रेट करके लिए थे। लौकी ऐड करने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट तक पका लेना है, ताकि इसमें थोड़ा भी एक्सेस वाटर हो वो भी अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से जो पानी है वो भी ड्राई आउट हो चुका है। मैंने यहाँ पर इसे 10 मिनट तक इसे पकाया है, और बीच बीच में हमें इसे स्टेयर भी करते रहना है, चलाते भी रहना है। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है दूध। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध इस्तेमाल किया है थोड़ा थोड़ा करके, और हमें फुल फैट और मलाई के साथ यूज़ करना है। हम यहाँ पर खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मलाई उसका काम करेगा, तो हमें मलाई वाला दूध हो सके तो ज़रूर ऐड करिए आप लोग। और हमें लौकी को फटाफट से पकाना है, मतलब ग्रेट करने के बाद तुरंत करना है। अगर इसे थोड़ा ज़्यादा देर रखते हैं तो ये काली पड़ने लगती है, तो इस वजह से आप लोग भी चाहिए तो फूड कलर ऐड करिए, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ली हूँ, ये आप देख सकते हो। इसे हमें पानी में ऐड करके बाद इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक रहता है तो सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा। और फूड कलर ऐड करने के बाद हमें इसे फटाफट से चला लेना है, क्योंकि जो कलर है वो ना एक जगह रह जाएगा। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैंने यहाँ पर कुल मिला के 1/2 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पोर कर रही हूँ, और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हर जगह चला लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। मैंने यहाँ पर 1.5 कप शक्कर इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें शक्कर ऐड करना है, क्योंकि जो दूध है वो गर्म है और फटाक से जो है शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब हम शक्कर ऐड करें तब हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि नीचे चिपक भी सकता है, तो इस बात का आप भी ध्यान दीजिए।
यहाँ पर आप देख सकते हो शक्कर बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है जब तक ये मेल्ट नहीं हुआ था, और अब हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो जल्दी पकने के लिए हम इसे ढक देंगे, और ढक करके हमें इसे पकाना है, और गैस की फ्लेम हमें लो टू हाई रखना है। ये आप देख सकते हो बॉइलिंग भी आ गई है। अब हम इसे ढक देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पूरा प्रिपरेशन इसका 40 मिनट्स का रहता है, पकना मेन स्टेप रहता है, और हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है, नहीं तो नीचे से पकड़ भी लेगा। और यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 40 मिनट तक कुक किया है पूरा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग कभी उतना ही टाइम जाएगा। और जो दूध की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, पक करके बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। हम इसमें जो मावा है वो भी नहीं ऐड कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये। और अब हमने जो इलायची डाले थे उसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इलायची डाले थे, तो आप देख सकते हो अब हम इसे निकाल के अलग कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो और बढ़े। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और चिरौंजी, ये तीनों चीज़ को लिया है और इस तरीके से चॉप करके ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालडा भी ऐड कर रही हूँ, और आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। एंडिंग में ये चीज़ ज़रूर ऐड करिए, बहुत ज़्यादा इसका लुक और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाता है, एनहेंस कर देता है। और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लीजिए, और इसे सर्व कर देना है हमें प्लेट में। और सर्विंग हम एक स्क्वायर शेप देंगे इसको, ताकि ये कुछ यूनिफॉर्म और इवनली स्प्रेड हो जाए। इस तरीके से आप लोग को भी कर लेना है स्पून की हेल्प से। स्क्वायर शेप देने के बाद अब हम इसे ड्राई फ्रूट से इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। पहले हमें डाल देना है चिरौंजी, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे काजू एंड देन बादाम। ये आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है, और इसका लुक भी काफ़ी डिफरेंट है। आप भी कलर डालिए, बहुत ज़्यादा एनहांस भी हो जाता है और अच्छा लगता है। और अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप ना डालिए। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और खाने में भी ये बहुत अच्छा था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।